इसका क्या करें? तुम क्या चाहते हो कि तुम जो बोलेगा लिखेगा? ठीक है, बोलो क्या लिखना है इसमें? बोलो अटल, लिखते हैं हम लोग। मुझे विद्यालय ले जाकर क्या दिखाना चाहती हो? ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे मेरा बेटा अटल सब कुछ ठीक कर देता है, सबके सवालों का जवाब दे देता है और कैसे सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। मुझे तो विश्वास है दीदी, आप अपनी आंखों से देख लेंगे तो आपको भी विश्वास हो जाए। और शायद मेरे बेटे अटल के प्रति आपके मन में जहर थोड़ा कम हो जाए। कुछ तो बोलो, कब से हम ऐसे ही बैठे हैं? अपने हिसाब से लिखिए। जो मन में आए वो लिखिए कि मैंने पहले ऐसा क्यों किया, बाद में वैसा क्यों किया मैंने, और मुझे कैसा लगना चाहिए, मैं कितना कमजोर हूँ, सब लिखिए। और मैं आपके लिखे हुए कागज पर हस्ताक्षर कर दूंगा और मैं मान लूंगा कि जो आप लोगों ने लिखा है वो सही है। क्या बदतमीजी है, तमाशा बना रहा है सबके सामने, मजाक कर रहे हैं आप? नहीं सर, सही कह रहा हूँ। अगर मैं कुछ कहूंगा और आप उससे सहमत नहीं होंगे, फिर आप मुझे समझाएंगे, मुझे डांटेंगे, तब तमाशा होगा। चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा। लिखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए केवल मेरा मजाक बनाने के लिए। पता नहीं क्यों एक पूरा विद्यालय एक विद्यार्थी का मजाक उड़ाने पे तुला हुआ है। जिस विद्यालय में बच्चों को योद्धा बनाया जाता है, वही विद्यालय आज एक बच्चे को ऐसे जलील करके उसका आत्मविश्वास छीनने की कोशिश कर रहा है। माँ कहती है कि अगर किसी का दिमाग कोरे कागज की तरह हो तब तो उस पर अपनी बातें लिखी जा सकती है, तब तो उसे अपना पक्ष समझाया जा सकता है। अगर किसी का दिमाग पहले से ही भरा हुआ है, ऐसी कोई रबर तो बनी नहीं है जो दिमाग में बसी हुई पूर्व धारणाओं को मिटा सके। इसलिए आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। ये क्या किया तुम्हारे बेटे ने? इसका तो भाषण भी खत्म हो गया, और देखो जरा एक भी आदमी ने ताली तो छोड़ो वाह भी नहीं किया। वैसे अच्छा ही हुआ तुम मुझे यहां लेकर आ गई, अभी ना अपने आंखों से देखना अपने बेटे और पति पर थू थू होते हुए।
देख लीजिए दीदी, ये है मेरा अटल। मेरा अटल जिसके लिए दुश्मन भी ताली बजा रहा है, अब तो हुआ है उसकी। ताली ना सही, थोड़ा विश्वास तो कीजिए, चढ़ना तो बंद कीजिए उससे। अद्भुत, बड़ी अद्भुत कला है तुम्हारे अंदर अटल, वाक पटुता की। तुम अपनी बातें बड़ी बेबाकी से लोगों से कहते हो, फैसले नहीं सुनाते हो, बल्कि लोगों को मजबूर कर देते हो कि वो तुम्हारे फैसले को स्वीकार करें। ये कला बड़े नेताओं में होती है। और अटल, मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में तुम बड़े नेता बनोगे। वाजपेयी जी आइए जी। बहुत अच्छा, मैं राजा साहब को बताऊंगा कि आपका अटल बहुत अच्छी बातें करता है, ताकि अगर अटल को कुछ मदद लगे तो राजा साहब अवश्य करेंगे। क्योंकि अटल के भविष्य को हम राज दरबार में सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगणित असंख्य धन्यवाद। अरे वाजपेयी जी, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। हाँ वही तो, यहाँ आकर हम धन्य हो गए। अच्छा तो अब हम चलते हैं। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा, मिस्टर वाजपेयी हमारे ऑफिस में आके मिलना। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में तुम बड़े नेता बनोगे। अरे दीदी क्या हुआ, बन गया क्या तमाशा वहां अटल का? नहीं, सब गुड़ गोबर हो गया। पढ़े लिखे गवार बन गए सब लोग, जो तालियां बजा रहे थे और ऊपर से कह रहे थे अटल नेता बनेगा। ऐसे कैसे हो सकता है भला, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे नेता बन जाएगा? वो तो मुझे भी पता है कि अटल कुछ नहीं बनेगा, और बन रहा हो मैं ना बनने दूं। हाथी बन रहा होगा तो चींटी भी ना बनने दूं, आग बन रहा होगा तो अंगेठी भी ना बनने दूं। लेकिन दीदी अब तो गड़बड़ हो गई ना, अब देखो अटल जब घर आएगा ना तो सब लोग उसे महान बनाकर दिखाएंगे, सब घर के लोग ऐड कर चलेंगे, हम लोग तो ये सब देखते आ रहे हैं। आप नहीं आई है ना, आज आप भी देख लो। और दीदी ये सब लोग है ना, अटल की तारीफ में कुछ ऐसा कसीदा पढ़ेंगे ना कि कहिए मत,
ये सब सुन के है ना खून खौल उठता है मेरा। ऐसा लगता है ना जैसे जख्म पर किसी ने मिर्च लगा दी हो। मिर्च देखो आज अटल की कामयाबी पर कोई कुछ नहीं कहेगा। कैसे कुछ नहीं बोलेगा? बोलेंगे, सब अटल के नाम की माला जपेंगे, आप देखना। मैंने कहा ना आज कोई कुछ नहीं करेगा। पर वो कैसे? ऐसे। अरे सुशीला दीदी क्या हुआ? जीऊंगी मुझे नहीं। अरे बताइए हो क्या गया, रो क्यों रही हैं? अरे सुशीला क्या हुआ? क्या कहूं? अरे क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मिस्टर वाजपेयी आप तो बहुत खुश होंगे ना, कल तनख्वाह मिला और आज तुम्हारा ये बेटा सबके सामने मेरा बेइज्जती भी किया है। नहीं सर, ऐसा नहीं था। ऐसा ही था, सब कुछ ऐसा ही था। लोग वहां पे ताली बजा रहे थे, वो ताली कुछ कम था क्या? और शर्म की बात यह है हमारा सब स्टूडेंट और काम करने वाला स्टाफ मजा ले रहा था। सर किसी को मजा नहीं आ रहा था और जिनकी बेइज्जती आप कराने वाले थे वो भी तो आपके विद्यार्थी और शिक्षक हैं। और सर हमारे मन में आपके लिए जरा सा भी द्वेष नहीं है। तुम चुप रहो, मनी मन में तुम खुश हो, ये सब चलाकी दिखाने के बाद तुम यहाँ पे नौटंकी कर रहे हो। तुम घर जाके लड्डू खाएंगे और यहाँ भाषण दे रहे हो हमको। नहीं ऐसा नहीं होगा। Who's there? मैं अटल की माँ कृष्णा देवी वाजपेयी। ऐसे बिन बुलाए यहाँ आने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बात मेरे बेटे से जुड़ी हुई है तो मुझे आना पड़ा। मेरा बेटा अटल अपने हर गुरु को, हर शिक्षक को भगवान की तरह मानता है। वैसी ही शिक्षा दी है उसके बाबूजी ने, दादाजी ने। आपको भी भगवान की तरह मानता है। तो इसे सही रास्ता दिखाने में, इसकी जिंदगी आसान बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। शिक्षक है आप, इसे इस तरह परेशान मत कीजिए, मैं विनती करती हूँ। कृष्णा तुम यहाँ क्यों? रात भर सोया नहीं है मेरा बच्चा। रात भर सोया नहीं है मेरा अटल। बच्चा है छोटा, पढ़ेगा खेलेगा कूदेगा थक के सो जाएगा तभी तो विकास कर पाएगा। ऐसे रात रात भर अगर जागता रहा तो कैसे विकास करेगा, कैसे भविष्य बनाएगा? एक माँ विनती कर रही है आपसे, मेरे बच्चे को शांति से सुकून से बस पढ़ने दीजिए और बच्चों की तरह। हाँ उसे उसे शिक्षा की चुनौतियां दीजिए, बिल्कुल दीजिए। वो चुनौतियां स्वीकारेगा, पूरी करेगा, उसमें सफल भी हो जाएगा। लेकिन इस तरह अभी से
जिंदगी की चुनौतियां मत दीजिए उसे, अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या में मत उलझाइए उसे। क्या बात करते हैं आप, मुझे अटल से कोई जलन है क्या? आप यहाँ पे मदद मांगने आए हो ये इल्जाम लगा रहे हैं? ये तुम्हारा घर नहीं है कि माँ बाप बेटा यहाँ नाटक चालू करें। सर सही कह रहे हैं, देखो कृष्णा ये हमारे घर का आंगन नहीं, घर के आंगन में हम माँ बाप अपने औलाद का पौधा लगाते हैं। उसे संस्कार देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसे प्रेम देते हैं, फिर सही समय आने पर जड़ों के साथ अपनी मिट्टी के साथ आपके विद्यालय के प्रांगण में हमारा ये पौधा लगा देते हैं, क्योंकि इसके आगे हमारे इस पौधे का पालन पोषण उसके शिक्षक करेंगे। इसलिए जैसे हम माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, प्रेम देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उसी तरह आप भी उन्हें प्रेम देंगे। आपका काम है उसका आत्मविश्वास बढ़ाना, उसे सही रास्ता दिखाना, उसका हर कदम प्रगति की ओर बढ़ाना, लेकिन आप जो कर रहे हैं इसके बिल्कुल विरुद्ध है। मेरा बच्चा सहम जाएगा इससे। इसे परेशान मत कीजिए इस तरह, ये सहम जाएगा जीवन भर के लिए। ऐसा कहते हैं कि बड़े पेड़ के छांव में छोटे पौधे पनपते हैं, अगर बड़ा पेड़ ही धूप देने लगे तो छोटे पौधे तो मुरझा जाएंगे, जिएंगे कैसे? जीवन दीजिए मेरे बच्चे को, मत परेशान कीजिए, शांति से सुकून से पढ़ने दीजिए मेरे बच्चे को। कृष्णा वो भी नहीं चाहता है ये। घर चलो। नहीं नहीं बस हो गया, घर चलो तुम। सर जिन संस्कारों को मैं मानता हूँ उसमें गुरु जी ईश्वर से ज्यादा बड़े होते, ये बात एक शिष्य मानता है। अब गुरु जी ही तय करे कि उन्हें कैसा बनना है। अरे मैं इशारों में क्या बताऊं, किसे बताऊं और कौन सुनेगा मेरी हाय राम? तो बताइए बा, हम सुनेंगे। लेकिन बताओ तो सही हुआ क्या है? नहीं मामा जी। दीदी चिंता हो रही है, अब कुछ तो बताइए क्या हुआ है। क्या बताऊं क्या हुआ,
विद्यालय से आ रही थी तो मुझे रास्ते में मेरे ससुराल वाले मिल गए। और उन्होंने कहा मैं वहां वापस कभी नहीं आऊं, वहां पे मेरा कोई घर ही नहीं है।